राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष को अज्ञात व्यक्ति ने दी धमकी। राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला को गालियां देते हुए गला रेत कर जान से मारने की धमकी देने के संबंध में राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के जिला अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह कराड़िया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जहां ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला को मोबाइल फोन पर अज्ञात व्यक्ति के द्वारा गालियां देने और गला रेत कर जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके कारण राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश है। श्रीमान जी से निवेदन है कि प्राकरण की गंभीरता को देखते हुए अविलंब अज्ञात आतंकवादी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने और राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला को सुरक्षा मुहैया करवाने की कृपा करें। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। मामला किस मामले को लेकर के यहां कलेक्ट्रेट पे आप आए और किस मामले को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है? मामला है कि राष्ट्रीय हिंदू वाहिनी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र शुक्ला जी को किसी आतंकवादी द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। उस संबंध में सभी कार्यकर्ताओं में आक्रोश है और पूरे देश में या हर जिले में ज्ञापन दिए जा रहे हैं। तो मामला ये है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जिसको धमकी दी गई, तो उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। इस संबंध में सभी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया मुख्यमंत्री महोदय के नाम।